बस बस टाइम बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा है टाइम आमीन। सुनाओ सजी दसाए कोई टेंशन होवे तो मामा वेना पे बते लंगर खा के वही है तो पिछले विलाग दसा जिस टाइम मैं अपना विलाग एंड किया क्योंकि मेरे वे चाचू फौत थी गए हैं हूँ तो यही वे रहे हूँ क्योंकि शाम का टाइम थी गए भी वे तो पे मगरे वाले लाना हूँ अजा खंड दी भी ला पे तो हूँ इतने ही खड़े से ये दू देगा पकड़े पे उसाद आया खड़े पकें पे मेरा व्डा पिता सलीम नाल गए जनाजे दे आखिर तू इतें ही खड़ नाल कम शम करा चलो मैं सही है हाँ निकड़ा दादा कि देंगे दादा फौत थी गए अच्छा तू दे हाल जहानगीर दादा कि था भी अच्छा तू दस जहानगीर दादे तो गिया कहने नाल नाल कह नहीं गए ट्राली वी पी तू कहने गया मुबशर अच्छा मोहब्बत करनी चाहिए हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कुरान की मोहब्बत दीन की मोहब्बत दीन वालों की मोहब्बत कुरान वालों की मोहब्बत ये सारी चीजें निजात का बायस है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ सच्ची अकीदत मोहब्बत नसीब फरमाए हुजूर अलैहिस्सलाम की हर हर सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत सूरा कुबरा नसीब फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी कमी कोताहियों को माफ फरमाए व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम हजरात ये ईद का तरीका सुन लें नियत करनी है दो रकात नमाज ईद उल अज़हा दो रकात नमाज ईद उल अज़हा वाजिब सात छह तकबीर ज़ायद ईद के अंदर ये छह तकबीर ज़ायद होती है तो अब तकबीर तहरीमा कह करके नियत मानेंगे सना पढ़ेंगे सना पढ़ने के बाद तीन तकबीरें कहेंगे अल्लाह अकबर हाथ छोड़ देंगे अल्लाह अकबर हाथ छोड़ देंगे फिर अल्लाह अकबर कह करके हाथ बांध लेंगे और फिर उसके बाद किरात होगी एक रकात पूरी होगी और फिर
मैं अपनी बाइक खड़ा किया मी ता दुकान ते सामने खड़ी है बाइक अपने छिकें दे से वेलकम बैक व्यूअर आज क्योंकि ईद दी त्योहार है तो सादी जड़ी ईद है सादी खुशी गमी बदल के क्योंकि कल हज दी त्योहार है कल मेरे बड़े चाचू ने फौत थाया ते कल ते मेहमान से मारे बत रह गया रात लेट फ्री थाया से बस उन गए तो सुबह दी नमाज से आ गए तो सारे को ईद दी मुबारक की गई जितने भी मुसलमान भीरा जितने भी व्यूअर मेरे परेशान हैं या जिन्हें प्यारे अल्लाह को प्यारे ठीक हैं टूट गई दुनिया तो अल्लाह पाक उन्हें सारे कुछ जन्नत ज़्यादा मकाम अता फरमावे हूँ मैं अपनी बाइक छिके ना बिस्मिल्लाह पढ़ता चाबी लेना तो हूँ मैं चलता पिया कब्रिस्तान अपनी वालदा साहिबा की कब्र से उतर के फाते खानी पढ़ते हैं व्यूअर तक मैं बाजार का सीन दिखावा बाजार का सीन चेक करो क्योंकि मैं वेंदा पिया कब्रिस्तान यो रास्ता वेंदे कब्रिस्तान दो दुकाना शुकाना सारे बंद हैं ये किए तो खुली पिए किताबें वाली ये कोई हो सी काम शाम बैठा हो सी इडो कुछ बंदे खड़े थे ये दे दें कोई दुकान इतना खुली पी है इतना सारे बंद हैं लेकिन एक जरा ना नाश्ते वाला खुलिया पे दही भले वाला नवी शाह बनी है तो बाकी चेक करो सारे बंद हैं एक कपड़े वाली ये भी खुली पी है तो बाजार वाला कब्रिस्तान चेक करो अगो इतना जरा कौन है ना कंडे रोड दो सड़क निकल दिए इतना भी कोई रेडी वाले खड़े थे जे एक तो चावल छोले भी चेना खड़े ते बाकी जो एक शरबत आला खड़े थे जो सब्जी सब्जी वाले भी आए बैठे क्योंकि आज इन्हें कमाई दी दीवार है सब्जी सब्जी विकसी टमाटर शमाटर विकसन ही ना दे बैक व्यूअर मैं काफ़ी टाइम तक इतना आया खड़ा बाइक अपनी सामने खड़ी की थी मैं अपनी वालदा साहिबा की कब्र ते आया खड़ा फाते खाने भी पढ़ की थी सोत्र मेरा वीडियो आया पता एक कौंसर ये पहले आए बदन सादा क्योंकि रबता थिया कोई नहीं मैं बात ईद नमाज पढ़ी मी वाल में पीछे एडे आया जे मेरे चाचू होने फौत था ये उन्हें चाचू होने की कब्र है पई तो सोत्र होनी हाली दुआ मंगते बैठन मैं क्योंकि दुआ शो मांगी दी मी कई बार तुहाड़े भी जितना प्यार है दुनिया तो चले गए ना तुसा भी ईद आई त्योहार उन्हें कब्र ते आए करो फाते खानी भी पढ़ी करो कब्रें का ख्याल भी रख्या करो तो अगे पीछे भी तो आपको जिस टाइम टाइम मिले ना तो डेली दा या दूजी दीवार या तो हफ्ते बाद या महीने बाद जिस टाइम भी तो आपको टाइम मिले तो लाजमी चक्कर लाया करो एक अपना टाइम टेबल बनाओ अगर वीवर आज असा ना अपने वजन की कब्रें का ख्याल रखसूँ आसूँ फाते खानी पढ़सूँ कालकू जी सारी आवन वाली नसाले वालों सारे कब्रें का ख्याल रखसी आसी फाते खानी पढ़सी बस सारी वो पल सारी कब्रें का भी ख्याल रखसन तो आप हूँ मैं वीवर कब्र लिखावा कब्रिस्तान माशाल्लाह काफ़ी सारे आवाम यही वधी है क्योंकि अज ईद दी दुआर है जिमें जिमें हम आवाम आई है ना ईद नमाज पढ़ के हर कोई आंदा पे फाते खानी पढ़ के अपने वजिए को मिल के वेंदा पे जिन्हें प्यारे इन दुनिया तो चले गए हैं वो आंदे पे हैं एडो प्यारे बंदे आए बदन हूँ चले गए हैं क्योंकि ईद नमाज पढ़ के ना पीछे कुर्बानी करनी पौंदी है कुछ कुछ बंदे आंदे पे कुछ बंदे चले गए वे सन कुर्बानियाँ करे सन दोपहर यहाँ सन वाल शाम को आसन शाम को इतना ज़्यादा रश हो सी कब्रिस्तान एडो ही होने बंदे आए बैठे डू फाते खानी पढ़ना सानी जो ठीक है इस टाइम में पहुंचा खड़ा बाजार एडो मेरे प्यारे भाई खड़े नवीद दही बल्ले वाले इन्हें को मैं मिलिया असा रुके खड़े इतना चावल का सा नाश्ता करने से कई बार चेक करो हम साए मेरे जब्बा करेंगे पेन गांव को समय दे बदन बैग प्यारे वीवर चेक करो इस टाइम में पहुंचा खड़ा घर तो मेरे गोदे को चेक करो इतना ईद बिल्कुल आई क्या नहीं तो आपको दिशा में क्योंकि सारी फौतकी थी गई गोदे को मैं दिशा में आके माई में बेट में पियाँ अहमद कलो वेंदा पियाँ मैं गोदे को जू ही दिशा में ना गोदे मिनट मारे कपड़े शपड़े पाते सी धानते जवान फ्रेश थे हूँ गोदा जुलता पा अहमद कलो जुलू चाबी कितना है चाबी लाए खड़े भी मोटरसाइकिल है वाह भी वाह तेरी फुल टाइम खैर हुआ वीवर चेक करो चाबी भी लगी खड़ी होना सफा है चलते वेलकम बैक प्यारे वीवर इस टाइम मैं पहुंचा खड़ा अपने मुलेर दी हटी थे तो नौजवान इधर चेक करो माशाल्लाह माशाल्लाह क्या है बात है तेरे मामे मेरे को चेक करो गोश्त बनाई पे क्या है बात है क्या ही बात है मैं थोड़ी सी वीडियो इधर बना कि नहीं करो वेलकम बैक वीवर हूँ तक दिखाऊँ बेट रोड का नज़ारा बेट रोड का नज़ारा चेक करो दुकान सारे बंद हैं देते पे ए साइड दुकान सारे बंद हैं अगो एक मिठाई वाली दुकान ही खुली पई है तो अगो वो दिखेंदे से चेक करो वीवर पीछे एक किलो दर्दी खुलिया पे तो ये मोटरसाइकिल वाला ये दुकान खोली पे एक किलो परचून वाला है पिया ये दुकान खोली पे बाबा नोट कमासी तो सीजन तो मिठाई वाले का इन्हें चेक करो।
वेलकम बैक प्यारे व्यूअर्स। टाइम मैं पहुंचा खड़ा आसानपुर मेन रोड दे गोया खड़ा पेट्रोल पंप ते यार ना क्या रखी पे बुखारी फिलिंग स्टेशन बुखारी फिलिंग स्टेशन रखी मैंने मेरा प्यारा भीरा है पिया मेरा क्लास फेलो है तई होन दस होने तई खड़े से पेट्रोल अस फैली फैली हूँ पवई खड़े से ते पई की स्टार्ट की थी खड़े मेरा गोदा साहब तले लता खड़े गोदा जुलू ते हुन भी वाला चलते पैसे अड्डे ते अड्डे दा सीन भी आज तक दिखने से ते गोदा मैं को नाल केने गोदे के जुलते पैना अहमद को कशा ना कशा की दी जुलू अच्छा मैं के ठीक है ते जुलते कशा को ले दे भी हिस्से ते बाइक दा पेट्रोल ही बवा गिंदे पीछे बात चलते है क्योंकि पहले मेरा मूड कहने वजह ते क्योंकि सोत्र मेरे कटे सोत्र दुनिया घर पुजाए में चल गोदा मैं को आधा खड़ा सुबह दा आके सी अहमद दे घर जुलको चलो मैं के अच्छा ठीक है पीछे सोत को घर लाए मी ते गोदे को चाते मी होना सा मेरे पे हैं बेट तो बेट का नज़ारा भी दिखे ने बांधे पर सलाब भी आया खड़े वो भी तो दिखे ने जरा इस सदा विलाग है सही विलाग तो ठीक रहने पे हैं एंड ये विलाग थोड़ा काफ़ी लंबा थी के बस आपको दे इजाज़त अल्लाह हाफिज़।